अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त नाना ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। पहले भी तो 3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हर दफ़ा मैं न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ तो ये भी रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है नाना ब्रेड की। तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और खाने में भी बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है, चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले खुश्क अज्जा को हम सेपरेट कर लेंगे। मैदा लिया है मैंने 1 कप एंड 3/4 कप। बेकिंग सोडा लिया है 1 टीस्पून। दालचीनी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। इनको छान लेंगे। नमक लिया है 1 चुटकी। इनको मिक्स करके एक साइड पे कर देंगे। 3 अदद केले लिए हैं जो सही पके हुए हैं, इनको मैश किया है। मैश करने के बाद इनको भी साइड पे कर देंगे। अब बटर लिया है 1/2 कप। रूम टेम्परेचर वाला बटर लेना है, कोई भी चीज़ फ्रिज वाली यूज़ नहीं करनी, तमाम अज्जा रूम टेम्परेचर वाले हों। ब्राउन शुगर लिया है 3/4 कप और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडे लेने हैं 2, लेकिन एक एक करके पहले ऐड करेंगे। पहले एक अंडा ऐड किया है, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर दूसरा अंडा डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून। अब जो केले मैश करके रखे थे वो ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। खुश्क अज्जा को ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब बेकिंग पैन लेंगे, उसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और बटर पेपर लगा देंगे। केक बैटर को डालेंगे और उसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मुझे अखरोट बहुत पसंद है तो मैं अखरोट डालती हूँ। अगर आपको रेजिन्स वगैरह या कोई और नट्स पसंद है तो आप अपनी चॉइस के भी नट्स ऐड कर सकते हैं। इसको बेक करेंगे 1 आवर के लिए। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी बनाना ब्रेड रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की बनाना ब्रेड तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। Thank you for watching my video.